आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी जन्माष्टमी की शॉपिंग, जो कि मैंने इस बार बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ शॉपिंग करी है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें मैंने खरीदी हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये चीज़ें मैंने लोकल मार्केट से ही खरीदी हैं सारी। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये चौकी, ली है आप जो भी बोलते हैं पटरा चौकी, ये मैंने थोड़ी बड़ी साइज़ की ली है और ये मीनाकारी वर्क की है और ये प्राइस में भी ठीक थी, 320 रुपीज़ की थी। उसके बाद मैंने ये कान्हाजी लिए हैं मक्खन खाते हुए, और ये जो आप मूरत देख रहे हैं ये 60 to 70 या 80 तक आराम से आपको मिल जाएगी, क्योंकि साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये देखने में बहुत सुंदर लग रही थी इसलिए मैंने ले लिए, और साथ में मैंने ये दो खिलौने बोल सकते हैं, झांकी के लिए भी बोल सकते हैं, कि ये एक मोर लिया है और एक मैंने गाय ली है और ये 25 रुपये का एक था। उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए श्रृंगार का सेट लेना था तो वो भी ले लिया, ये मेरे को श्रृंगार का सेट 65 रुपीज़ में मिल गया बहुत ही आराम से। बाद में मैंने उनके लिए लिया कि एक अटैचमेंट लिया जो पगड़ी पे लगाते हैं कान्हा जी की, तो ये अटैचमेंट भी 65 का था, मोर पंखी का कुछ ऐसा नग तरीके का, तो देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। फिर मैंने ली मालाएँ, ली ये दो मालाएँ ली हैं, एक माला 40 रुपीज़ की, कलर दोनों के मैंने सेम ही लिए हैं। उसके बाद फिर मैंने माला एक और ख़रीदी और उनके साथ उनके कंगन थे माला के साथ में, तो ये 50-50 रुपीज़ के एक एक माला मिल गई मेरे को और साथ में मुझे इनमें कंगन भी मिल गए। फिर खरीदी मैंने पगड़ी खरीदी लड्डू गोपाल जी के लिए, कान्हा जी के लिए, जो भी आप बोलते हैं, और ये 90 रुपीज़ की पगड़ी, और पगड़ी का कलर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत अट्रैक्टिव था। और फिर मैंने मुकुट ख़रीदा, मुकुट मुझे ये 65 रुपीज़ में मिला था और जो पगड़ी थी वो 90 रुपीज़ में मिल गई थी। फिर उनके मेरे को केश लेने थे भगवान जी के, तो ये मैंने केश भी ले लिए। केश मैंने दोनों दो प्रकार के लिए, एक इस तरीके का लिए और एक चोटी गुथा हुआ जो होता है वैसा भी लिया है। फिर मैंने लिया कमरबंद बोल सकते हैं आप या बाजू बंद बोल सकते हैं, इसके अंदर दो हैं और ये 50 रुपये का मेरे को मिल गया आराम से, प्राइस भी ज़्यादा नहीं था और लुक में भी सुंदर लग रहा था। फिर बड़ी बांसुरी लेनी थी, बड़ी बांसुरी मैंने ली है 45 रुपीज़ की। और फिर मैंने ये पोशाकें ली हैं, ये पोशाकें मैं आपको खोल के तभी दिखाऊंगी जिस दिन ये भगवान जी मेरे पहनेंगे, और ये मैंने साईं बाबा की पोशाक ली है तो ये भी मेरे को बहुत ही कम प्राइस में 35 रुपीज़ में आराम से मिल गई। और ये है कान्हा जी की, लड्डू गोपाल जी की जन्माष्टमी की ड्रेस, जो ये मेरे को बहुत ही अच्छी लगी, प्रिंट वाइज भी, कलर वाइज भी, और सारे कलर भी थे इसके अंदर, और इसमें मैया बनी हुई है और कान्हा जी बने हुए हैं। और ये शेरा वाली माता की पोशाक है, लहंगा और पटका, क्योंकि मैं जन्माष्टमी पे सारे भगवान जी की पोशाकें लेकर आती हूँ तो वो सब मैंने लिया। और बांसुरी ली, बांसुरी आपको पता है लेनी चाहिए जन्माष्टमी वाले दिन, तो बांसुरी ली है, ये 20 या 25 रुपीज़ की थी। और एक रेड कलर का छोटा सा आसन लेना था मुझे तो वो भी ले लिए, ये 10 रुपीज़ का है। फिर मुझे भोग के बर्तन लेने थे, इस बार मैंने वो भी ले लिए, ये भोग के बर्तन है और इसमें दो कटोरियाँ, गिलास, चम्मच, प्लेट, जैसा आप देख रहे हैं, और ये शायद 65 रुपीज़ तक के हैं। फिर मैंने छोटा मोटा सामान और ख़रीदा लड्डू गोपाल जी के लिए, ये जैसे छोटी छोटे आप माला देख रहे हैं 10-10 रुपीज़ की एक माला है, उनके लिए मेरे को लंगोट लेने थे तो मैंने 10-10 रुपये वाले लंगोट ख़रीदे कलरफुल से, देखने में भी सुंदर लग रहे थे। और साथ में मैंने उनके लिए लिया नाइट सूट, जो नाइट सूट था जो वो रात को पहन के सोते हैं, तो नाइट सूट में ये मैंने दो कलर लिए, डिज़ाइन सेम है और एक नाइट सूट 35 रुपीज़ तक का है। ये सारी चीज़ें इस बार मैंने जन्माष्टमी पे ख़रीदी है। साथ में उनके लिए लिया है ये खाट बोल दे सकते हैं आप या बेड बोल सकते हैं जिस पे वो सोएंगे, तो ये मेरे को 160 रुपीज़ की आराम से मिल गई। उसके ऊपर से गद्दा वगैरह अलग से लिया था पैकेट में, शायद ये भी 60-70 तक का ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या आपको मेरे पूरी शॉपिंग पसंद आई हो जन्माष्टमी की, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हैप्पी जन्माष्टमी।